आज की पवित्र वार्षिक सभा में मेरे कथन का विषय है आत्महत्या इस्लाम की दृष्टि में। यह का पाठ है, आज जब हम संसार में दृष्टि डालते हैं तो ज्ञात होता है कि इस समय संसार में आए दिन आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, आत्महत्या इस्लाम की दृष्टि में एक गंभीर पाप है, क्योंकि जैसे एक पाप में बहुत सारे पाप सम्मिलित हैं। आत्महत्या करने वाले पर इस्लाम यह सूचना देता है कि गंभीर अपराध को करने वाला स्वयं नरक ही में रहेगा। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति पर अल्लाह ने स्वर्ग को वर्जित बताया है, अतः आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। जैसे कि अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में घोषणा किया, वला तक्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, तुम अपने से अपनी जान मत लो, निश्चित रूप से ईश्वर तुम्हारे लिए दयालु है। जो व्यक्ति अल्लाह की तरफ से आए हुए फरमान एवं परीक्षाओं को सहन न कर सके और कठिनाइयां धैर्य न रख सके तथा वह अपने जीवन से निराश होकर अपने आप को मार डाले तो वह उसे नरक में डाल देंगे। प्रिय सज्जनों, हमें कभी भी ईश्वर की दया से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी दया से निराश तो केवल नास्तिक ही होता है। जैसे कि अल्लाह का कथन है, हमें नफ़्सों में वक्त के वक्त ही मालूम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किया कि तुमसे पहले जाति में एक व्यक्ति था जिसे एक घात पहुंची तो वह उसे सहन न कर सके और अपना हाथ काट डाला, फिर उससे खून जारी हो गया यहाँ तक कि वह संसार से चल बसे, तो अल्लाह ने उसके बारे में घोषणा किया, मेरे पति ने अपने प्राण के बारे में शीघ्रता की, इसलिए मैंने उस पर सब को निषेध कर दिया। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को गला घोटकर एवं गोली मारकर अपने आप को कत्ल लेता है, तो उसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा किया, अल्लाह ने अपनों को लगता हुआ अपनों को अपनी नारी और ने यह तो हम रहा है तो हम रहा अपनी नार, तथा दूसरे स्थान पर घोषणा किया, मन का गला लगता हुआ विषय ये भी दुनिया उस दिमा भी यह मेरे कल्याण, जो व्यक्ति गला घूट कर मरता है मन की भी आग में भी उससे घूटेगा, या जो व्यक्ति संसार के वस्तु से अपने आप को मार डालता है तो उसे पल्ले के दिन तक उसी वस्तु से दंड दिया जाता रहेगा। तथा जिसमें से स्पष्ट होता है कि आत्महत्या चाहे किसी भी प्रकार की जाए निषिद्ध है, इस कारण किसी भी व्यक्ति को इस तरह की मृत्यु के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है। अंत में अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमें आत्महत्या जैसे गंभीर पाप से बचाए तथा इसको हमारे समाज से मिटा दे। आमीन। मम्मा अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।